हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ इन योर हाउसेस। सो दिस इज आवर नाइन्थ इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8, इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नेम्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो इसमें आज हम कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। So, at first we will discuss about some old concepts which we have discussed in earlier classes, or we can say that we will revise few concepts. And next we will discuss about some things like and unlike terms, and how to add and subtract some equations. So let's start with the introduction. So now the name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. तो हमने छोटे क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हें हम पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3x प्लस 5, राइट। सो आई हैव रिटन 3x प्लस 5, तो इसे हम एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, है ना। इसे हम एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि ये एक इसमें एक वेरिएबल भी है, है ना। लेकिन अगर इसी सेम एक्सप्रेशन को अगर हम 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक इक्वेशन। इट इज कॉल्ड सो because here we have equals sign which shows that this is an equation. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर expression को हमें equation में convert करना है तो उसे हमें यहाँ पर एक equals to का sign लाना पड़ेगा, है ना। So this was about expressions and equations. Now, algebraic expressions भी सेम चीज ही होते हैं, लेकिन इसमें हमें पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है। जैसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन 7x प्लस 8y प्लस 8, right? So we have an expression 7x plus 8y plus 8, right? So first जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है वो है टर्म क्या होता है। सपोज इसी एक्सप्रेशन के केस में अगर हम देखने जाए तो वी हैव 7x 8y एंड 8, है ना। सो टर्म्स हम किसको बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास जो वेरिएबल और नंबर्स या सिर्फ नंबर्स या सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ही हम टर्म्स बोलते हैं, राइट। जो कि एक साइंस के साइंस से सेपरेट होते हैं, राइट। सो उन्हें हम एक टर्म बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, सपोज इस केस में हमारे पास वी हैव 7x, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी हैव 7 एंड x, राइट। सो कहने का मतलब यह है कि जब हम टर्म्स को डिवाइड करते हैं, मीन्स जब उनको हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर्स या तीन या उससे जितने भी फैक्टर्स मिल जाते हैं, है ना। सो दिस वॉज अबाउट फैक्टर्स। Now next we have coefficient.
अब कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है जो वो न्यूमेरिकल टर्म्स, मींस अगर इस एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास न्यूमेरिकल टर्म्स क्या क्या हैं, 7, 8 and 8, राइट? सो हमारे पास तीन न्यूमेरिकल फैक्टर्स है, राइट, न्यूमेरिकल टर्म्स है, और वी कैन से दैट वी हैव 3 कोएफिशिएंट्स, राइट? सो ये तो हो गए टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट, राइट? सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So now, next point we have is monomial, binomial, trinomial and पॉलिनोमियल. अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सो अब मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स हम उन वेरिएबल्स को बोलते हैं जिनके सिर्फ एक टर्म होते हैं, मींस उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिनके सिर्फ एक टर्म होते हैं. जैसे कि सपोज वी हैव सेवन एक्स और 8y स्क्वायर या फिर 7y स्क्वायर, तो ऐसे जो सिंगल टर्म वाले जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोमियल, राइट? अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशन. मोनोमियल का मतलब वन टर्म्स एंड बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स, राइट? सो टू टर्म्स वाले कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 7x प्लस 3 या फिर 3x प्लस 9, राइट? सो इस तरह के एक्सप्रेशन जिनके दो टर्म्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइनोमियल्स, राइट? अब ट्राइनोमियल्स आप में से कुछ ने गेस कर लिया होगा, जिनके तीन टर्म्स होते हैं, राइट? जैसे कि 3x प्लस 7y प्लस 3, ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन है जिनके तीन टर्म्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. अब ये तो हो गए मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनके एनी नंबर ऑफ टर्म्स. सो नाउ सी, ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, मींस जो वन टर्म्स, टू टर्म्स या थ्री टर्म्स वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं वो भी पॉलिनोमियल के अंदर आ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे पास चार टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है या पांच टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है वो भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं. सो कहने का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल्स हमारे कितने भी नंबर्स के टर्म्स हो सकते हैं, राइट? सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं 4y प्लस 7x प्लस 3xy प्लस 3 प्लस 4, राइट? सो इस तरह के जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं या इससे भी बड़े वाले जो बड़े नंबर्स के जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं जिनके जो हमारे टर्म्स होते हैं वो वन जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट? सो दिस वाज अबाउट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक.
now our next topic is like and unlike terms. Right. So like and unlike terms अब क्या होते हैं? Suppose we have terms which are 7x, 5x, 3x, 4x, 9x and so on. Right. So हमारे पास इतने सारे हमने terms लिए हैं. Right. So this terms are like terms. Why they are so? Because आपको इन terms में कुछ common नजर आ रहा है. Yes, we can see that इसके जो हमारे पास algebraic factors है वो same है. Right. So ऐसे कोई भी terms जिनके algebraic factors, you should note this point, which are algebraic factors आर सेम, राइट. सो उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, है ना. सो 7x में हमारा x है, 5x में भी x है. सो इनके जो एल्जेब्रिक फैक्टर्स है वो सेम है. सो अनलाइक टर्म्स उसके ऑब्वियसली उल्टा होता है. जैसे सपोज वी हैव 7x, 5y, 10z, राइट. सो इस तरह से जिनके हमारे पास algebraic factors सेम नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स, राइट. ऑलवेज मेक श्योर कि हमें सिर्फ algebraic factors पे ध्यान रखना पड़ेगा while defining the like terms, राइट. सो जिनके algebraic factors सेम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं like terms, एंड जिनके algebraic terms सेम नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स. So, और एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि हम लाइक टर्म्स वाले, हम दो लाइक टर्म्स को हमेशा ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सपोज हमें हमारे पास यहाँ पर 7x और उसे हमें ऐड करना है 5x के साथ, राइट. सो वी नीड टू ऐड 7x विद 5x. तो अब इसे ऐड करना बहुत इजी है बिकॉज x तो एज यूजुअल रहेगा एंड 7 प्लस 5 इज 12, राइट. सो इस तरह से जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हें ऐड करना बहुत ही इजी होता है बिकॉज उन्हें ऐड हम कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट ऐड 7x विथ 5y, है ना. बिकॉज इनके जो हमारे पास एल्जेब्रिक फैक्टर्स है वो सेम नहीं है, तो इन्हें हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो दिस वॉज अबाउट like and unlike terms. Now let's see the next topic. So now next we have addition. So अब हम expressions को कैसे add करते हैं वो सीखेंगे. So let's take an example. Suppose we have 4x plus 7y and we have to add this expression with 6x plus 8y. So we have 4x plus 7y which we have to add with 6x plus 8y. So how it will be done? It's very easy. Hum simply isko kaise likh sakte hain? 4x plus 7y plus 6x plus 8y. Right. So is tarah se hum expression ko likh sakte hain.
एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइक फ्रैक्शन लाइक टर्म्स वाले जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उन्हें हम सेम साइड पे लाएंगे, जैसे 4x प्लस 6x, x जो हमारा फैक्टर है वो दोनों में सेम है तो उन्हें हम एक साथ लाएंगे, एंड 7y प्लस 8y दूसरे फैक्टर्स वाले टर्म्स को हम दूसरे साइड लेके जाएंगे, मीन्स सेम फैक्टर्स वाले को हमें एक साथ लिखना है। सो 6 प्लस 4 इज 10x प्लस 8 प्लस 7 इज 15y, राइट। सो इस तरह से अगर आपको छोटे मोटे जो हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं तो उन्हें हम इस तरह से ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अब हम बात करते हैं हम बड़े एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज वी हैव एग्जांपल 4xy प्लस 5yz प्लस 3zx एंड वी हैव 4yz एंड प्लस 9zx माइनस 4y माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2xy, राइट। सो अब हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस अवेलेबल है एंड हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस को करना है ऐड। सो इनको ऐड करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस अवेलेबल है जिसमें हम इनको रोज में ऐड करते हैं। हम कैसे ऐड करते हैं, लेट्स सी इट। एट फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसे हम एज यूजुअल लिख लेंगे, राइट। जैसे हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 4xy प्लस 5yz प्लस 3zx, है ना। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने एज यूजुअली लिख दिया है, राइट। अब हम बात करते हैं हम सेकेंड एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे। सो जो लाइक टर्म्स वाले जो हमारे पास ये है इन्हें हम एक साथ लिखेंगे, लाइक टर्म्स वाले जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम एक साथ लिखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 4yz, तो yz हमारे पास यहाँ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस का साइन है तो प्लस 4yz, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव 9zx, सो प्लस 9zx, राइट। सो इस तरह से जो लाइक टर्म्स वाले जो लाइक टर्म्स है उनके साथ हमें लाइक टर्म्स को ही रखना है, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, 4y, है ना। सो लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में कहीं तो हमारे पास 4y नहीं है, तो 4y का हम ऐसे ही लिख देंगे सेपरेट, वी हैव 4y, राइट। सो हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन को सॉरी एक्सप्रेशन को अरेंज करना है। फर्स्ट वी है 3zx, अब देखने से तो लग रहा है कि ये xz है, लेकिन अगर हम xz लिखें या फिर zx लिखें दोनों एक ही बात है। जैसे सपोज अगर हम 4x6 करते हैं या फिर 6x4 करते हैं तो क्या हमारा आंसर डिफरेंट आता है या सेम आता है, 4x6 is also 24 एंड 6x4 is also 24। सो अगर हम zx लिखें या xz लिखें दोनों एक ही बात है। सो फर्स्ट वी हैव माइनस 3xz, तो हम xz की जगह यहाँ पर या फिर zx की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे
माइनस 3 जेड एक्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव माइनस 5x, तो माइनस 5x तो हमारे दोनों इक्वेशंस पर कहीं है नहीं, तो हम इसको अलग से लिखेंगे। सो प्लस 5x, राइट। नेक्स्ट वी हैव माइनस 2xy, माइनस 2xy इसके नीचे आ सकता है, सो माइनस 2xy, राइट। सो अब हम इनको सिंपली जैसे ऐड करते हैं वैसे करेंगे। फर्स्ट हमारे पास प्लस 5x है, राइट, एंड नेक्स्ट हमारे पास माइनस 4y है, जिसके नीचे या ऊपर कुछ नहीं है, तो माइनस 4y, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, मीन्स 3zx प्लस 9zx माइनस 3zx, राइट। सो 9 प्लस 3 इज 12, राइट, एंड 12 माइनस 3 इज 9, सो 9zx। अब साइन किसका आएगा, बड़े नंबर से पहले कौन सा साइन है, एडिशन का साइन, तो एडिशन का ही साइन आएगा, राइट। नेक्स्ट ईयर 5 प्लस 4 इज 9yz, राइट, एंड नेक्स्ट 4 माइनस 2 इज 2xy, सो 2xy प्लस 9yz प्लस 9zx माइनस 4y प्लस 5x। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन सॉल्व। तो इसी तरह से अगर आपको बड़े बड़े इक्वेशंस, सॉरी एक्सप्रेशंस अगर आपको दिए जाएंगे, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ऑलवेज मेक श्योर कि जो हमारा फैक्टर है उसके साथ हमारा, सॉरी, जो हमारा लाइक टर्म है उसके साथ हमारा लाइक टर्म ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5yz के साथ 4yz, जो हमारा एल्जेब्रिक फैक्टर है वो सेम है, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा, मीन्स लाइक टर्म्स को हमें एक साथ लिखना है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट एडिशन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सब्सट्रैक्शन। सो अब हम दो एक्सप्रेशंस को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेंगे, x प्लस 7 माइनस 2x, 2x माइनस 4, राइट। सो वी हैव x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 4। सो पहले हम इसको कैसे अरेंज करते हैं, x प्लस 7 एंड माइनस है सिंस, तो ब्रैकेट में जो हमारा ये साइंस है उन्हें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो प्लस 2x के पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस माइनस इज माइनस 2x एंड माइनस माइनस इज प्लस 4, राइट। सो वी हैव x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 4। सो अगेन हम इनको एक साथ करेंगे जो हमारे लाइक टर्म्स हैं, सो x माइनस 2x प्लस 7 प्लस 4, राइट। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट,
इसका पहले कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1x, राइट, बिकॉज 1 के इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1, और वी कैन से दैट विच इज माइनस एक्स प्लस 7 प्लस 4 इज 11। सो इस तरह से अगर आपको छोटे टाइप के जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बड़े एक्सप्रेशन है तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम हियर वी कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज सपोज वी हैव 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। Now we have this expression which we have to subtract with this, right? So अब हमारे पास from word हो गया। Suppose if we have to subtract 7 from 10, right? अगर हमें बोला जाता कि 7 we have to subtract 7 from 10, तो हम कैसे करते? 10 को ऊपर लिखते और उनमें से 7 हम सब्सट्रैक्ट करते, राइट, व्हिच आंसर विल रिजल्ट इन 3। सो इस तरह से जो सेकंड वाला होता है वो ऊपर आता है एंड नेक्स्ट वाला नीचे जाता है ना। सो एक्सप्रेशंस के केस में भी हमारा सेम होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस एक्सप्रेशन को पहले लिखना पड़ेगा। सो लेट्स राइट इट। So 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y, right? So we have this, and next इसके नीचे हम like terms वाले को एक साथ लिखेंगे, right? First we have 5x square, 5x square minus 4y square minus 4y square plus 6y plus 6y minus 3, अलग से लिखेंगे क्योंकि इधर है नहीं, राइट। अब ये तो हमें कर लिया इसको अरेंज, राइट। सो अब इसमें हमारा एक और काम रहता है, सिंस हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन के केस में हमारा एक एक्स्ट्रा काम क्या रहता है, जो नीचे वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, सॉरी जो हमारे पास टर्म्स होते हैं उनका हमें साइन चेंज करना होता है। जैसे सपोज वी आर डूइंग माइनस है, तो इसके पहले कुछ नहीं मतलब माइनस प्लस, राइट, इसके पहले कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस प्लस इज माइनस, राइट, एंड हियर माइनस माइनस इज प्लस, राइट, एंड माइनस माइनस प्लस इज माइनस एंड माइनस माइनस इज प्लस। सो अब हमने इसका साइन चेंज कर दिया है, राइट। तो जब हम लिखेंगे, सपोज हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसका साइन तो चेंज हो गया, तो हम इसको माइनस 3 नहीं लिखेंगे, अभी हम इसको लिखेंगे प्लस 3, राइट, सिंस इसका अभी साइन चेंज हो गया, तो हम इसको हम अब पॉजिटिव एज्यूम करेंगे क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया है, राइट। तो हमारा सब्सट्रैक्शन में पहला केस क्या रहेगा, हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? माइनस माइनस के साथ माइनस होने से प्लस होता है, एंड प्लस के साथ माइनस होने प्लस होने से
माइनस होता है, राइट। सो इस तरह से हम पहले साइन के चेंज करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव माइनस थ्री वाई एंड माइनस सिक्स वाई, राइट, बिकॉज वी हैव चेंज्ड इट्स साइन। सो माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स वाई, सो सिक्स प्लस थ्री इज, सिंस साइन चेंज सेम है तो हम ऐड करेंगे, तो सिक्स थ्री इज नाइन वाई। साइन किसका रहेगा? बड़े नंबर के साथ जो है, मीन्स माइनस नाइन, राइट। नेक्स्ट ऊपर वाले जो एक्सप्रेशंस के साथ अगर कोई साइन है तो वो एज यूजुअल रहेगा, राइट। इसके साथ प्लस फाइव एक्स है तो प्लस फाइव एक्स ही रहेगा, क्योंकि हम ऊपर वाले टर्म्स के जो साइन है उन्हें हम चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। सो प्लस फाइव एक्स एंड इधर एट प्लस फोर इज, बिकॉज एट प्लस फोर इज ट्वेल्व वाई स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट वी हैव माइनस फोर वाई फोर एक्स वाई, इसके साथ हमारा एडिशन का साइन जाएगा, बिकॉज बड़े नंबर से पहले एडिशन का ही साइन है। एंड माइनस फोर एक्स वाई एंड सेवन माइनस फाइव इज टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो इस तरह से हम इक्वेशंस को एड सब्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो अगर आपको इस तरह से कोई भी इक्वेशंस दिए जाएंगे तो आप इनको इस तरह से सॉल्व करना, राइट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क। सो फ्रॉम एक्सरसाइज 1.9.1 I would give you question number 1, 2, 3 and 4. So, ये questions आप घर में करने की कोशिश कीजिएगा. These questions were very easy related to the points which we have discussed today. And if you got any doubt, any queries related to this or any previous chapters or concepts, you may demand for it. आपके demand में उसका solution आपको दिखाया जाएगा या करवाया जाएगा. Right? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। सो आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।